नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन सऊदी अरब की मुसीबत बन गया है, जहां अमेरिका ने कड़ा कदम उठाते हुए खाड़ी देश से अपने थर्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटा लिया। वहीं भारत से रिश्ते बिगड़ने को लेकर भी सऊदी की फिक्र बढ़ गई है, खासकर भारत के ईरान के करीब जाने से उसके होश उड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तालिबान के मुसलमान आतंकियों से भी उसे खतरा महसूस होने लगा है। तालिबान में शामिल अल्पसंख्यक समुदाय के आतंकी यमन में हूती विद्रोहियों की मदद कर सकते हैं, जिससे सऊदी अरब पर किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। बुरी तरह से घबराए सऊदी ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। वह अपनी सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं करना चाहता है, बल्कि भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते भी बचाना चाहता है। इन चिंताओं के मद्देनजर सऊदी ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजने की योजना बनाई है। इसी महीने 19 सितंबर तक सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान भारत दौरे पर आ सकते हैं। इससे पहले अमेरिका ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख और रूस के एनएससी भी भारत का दौरा कर चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी भारत आने वाले थे, मगर फिलहाल उनका दौरा टल गया है। अब वे 17 सितंबर को दुशांबे में एससीओ की बैठक के बाद इस महीने के आखिर में भारत आएंगे। दुशांबे में भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात में पाकिस्तान और तालिबान को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी के ये दो ऐसे देश हैं जो भारत का भरपूर समर्थन करते हैं। इनमें से सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अपना समर्थन दिया है, मगर इससे भारत की चिंता बढ़ी है और इस बात से सऊदी अरब अब खुद भी मुश्किल में आ गया है। उसकी चिंता केवल अमेरिका द्वारा सैन्य सुरक्षा उपकरण हटाना या फिर हूती विद्रोहियों के हमले का खतरा ही नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण और उसमें कतर की महत्वपूर्ण भूमिका से यूएस समेत उसकी भी सांसें फूल रही है। कतर के साथ इन दोनों के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं। अब सऊदी अरब को भी लगता है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े गंभीर मसले पैदा हो सकते हैं। वहीं इजराइल को ईरान से खतरा दिखाई दे रहा है। सऊदी और यूएई इजराइल से नजदीकियां बढ़ाने में लगे हैं। यह दोनों ही खाड़ी देश ईरान के खिलाफ इजराइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जाहिल मुल्लाओं की जमात अपने बुने जाल में फंसकर फड़फड़ा रही है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बाद क्षेत्र के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके भारत के साथ सऊदी अरब और यूएई लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तालिबान की मायत में जी तोड़ कोशिश कर रहे पाकिस्तान को यह देश कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भारत से उम्मीद नजर आ रही है। इस बात से पाकिस्तान भी विचलित है कि सऊदी अरब और यूएई ने अचानक से पालक क्यों बदल लिया है। इतना ही नहीं, अपने विदेश मंत्री तक को नई दिल्ली भेजने का फैसला लिया है। इससे पाकिस्तान को अफगानिस्तान मुद्दे पर विश्व बिरादरी में तनाव पड़ने की चिंता भी सताने लगी है। साल 1996 में जब तालिबान आया था, तब सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान ने आतंकियों की सरकार को मान्यता दी थी, मगर उस दौरान अफगानिस्तान को अमरीकी समर्थन प्राप्त था और पाकिस्तान भी अमरीका की उंगली पर नाच रहा था। पर 20 साल के बाद क्षेत्र के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पाकिस्तान अब चीन की कठपुतली है और कतर खुलकर इन दोनों देशों के साथ खड़ा है। सऊदी का महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका भारत और रूस के साथ तालिबान मुद्दे पर एक तरफ हो गया है। ऐसे में सऊदी अरब तालिबान को लेकर नए सिरे से रणनीति बना रहा है। उसके द्वारा जल्दबाजी में तालिबान पर बयान देना अमेरिका को बेहद नागवार गुजरा है, जबकि कल ही अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह तालिबान सरकार को मान्यता देने में जल्दबाजी न करे। सऊदी अरब और यूएई अफगानिस्तान में कतर के अलावा तुर्की की सक्रिय भूमिका से भी चिंता में है। पाकिस्तान ने अपनी कमर्शियल फ्लाइटों का संचालन काबुल के लिए शुरू कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट के तकनीकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी कतर संभाल रहा है, जबकि तालिबान सरकार में सुरक्षा का जिम्मा तुर्की को देने की तैयारी चल रही है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अफगानिस्तान में कोई अहमियत नहीं दी गई है। उधर तुर्की की मध्य एशिया में मौजूदगी भी सऊदी की चिंता बन गई है। सऊदी अरब को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि साउथ एशिया में तुर्की अपना प्रभाव मजबूत करे, परंतु इसका साजिशकर्ता भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के दबाव के बाद ही तालिबान सरकार तुर्की को अफगानिस्तान में न्योता दे रही है, पर मुल्लाओं की इस धूर्त पॉलिसी में फायदा भी कहीं ना कहीं भारत को मिलने लगा है। सऊदी यूएई को पाकिस्तान से दूर करने और रूस ईरान को चीनी मोहपास से निकालने में अफगानिस्तान का घटनाक्रम भारत के हित के लिए काम कर रहा है, यानी पीएम मोदी की वह सोच सफल होती दिख रही है जो आपदा में अवसर तलाशने के लिए जानी जाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।